वेलकम इन आवर चैनल मार्केट न्यूज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड की। दोस्तों, इस शेयर के बारे में बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे थे कि ऐसा क्या है इस शेयर में, और इस शेयर के बारे में थोड़ा डिटेल्स एनालिसिस करके बताइए और इसके टारगेट क्या हो सकते हैं ये भी। तो इस वीडियो में पूरा मैं चार्ट के साथ इसमें बताया हूँ, और आगे इसमें मैं दिखाऊंगा क्या न्यूज़ और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, और जो इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, और आगे चल कर इसमें क्यों तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और मैं इसमें बताऊँगा कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और भी इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कंपनी का बिजनेस कैसा है और किस तरह के इसमें फाइनेंशियल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड एक ताज ग्रुप जो है, जो कि अपने आप में उसके बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब कोई जानता है ताज होटल किस तरह का है। तो जो ताज ग्रुप का ये होटल आर्म है, ये जो 1970 में इसको शुरुआत किया गया था, बाद में जो 5-स्टार लग्जरी डिलक्स होटल है इसके यहाँ पर चेंज किया गया और इसको एक फ्लैगशिप होटल का दर्जा दिया गया। इसमें देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड है। इसमें क्या है, ताज कोरामंडल भी है, ताज फिशरमैन्स कोव भी है, कॉविलोंग है, ताज मालाबार भी है, ताज गार्डन भी है, मतलब अलग अलग यूनिट्स है इसमें, और जो कि अपने आप में एक बड़ा बड़ा नाम रखता है। तो यहाँ अगर हम देख सकते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा होटल्स का कम्बिनेशन है। यहाँ ओरिएंटल ग्रुप कैसे आया, तो जो ओरिएंटल होटल्स है और कॉविलोंग बीच है, उस दोनों को 2001 में अप्रूवल मिला मर्ज होने का। यहाँ पे ओरिएंटल होटल, कॉविलोंग बीच होटल और कोरामंडल होटल तीनों मर्ज हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि उसके बाद शेयर होल्डर्स का देखना था कि कैसे किसका मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा, मतलब किस तरह शेयर डिवाइडेड होगा। तो वहाँ पे क्या किया गया, जैसे जैसे शेयर थे उसका मार्केट कैप था उसके आधार पर उसको मर्ज किया गया। तो वहाँ पर कंपनी क्या हुआ कि कोरामंडल होटल 100% सब्सिडियरी बन गई ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड की। उसके बाद क्या हुआ, जो स्वैप रेशियो वो 2 शेयर्स ऑफ OHL मतलब ओरिएंटल होटल लिमिटेड का एवरी 5 शेयर्स ऑफ द कॉविलोंग बीच था उसके आधार पे दिया गया। आफ्टर मर्जर द ताज ग्रुप होल्ड्स, जो ताज ग्रुप है वो ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड में 34.5% का अपना होल्डिंग रखता है। तो जो मर्जर है वो किस तरह से इन्हांस हुआ अच्छा शेयर होल्डर के लिए, तो क्योंकि उसका देखिए वैल्यू बढ़ गया शेयर होल्डर्स का, और वहाँ पे क्या एसेट बेस में इंक्रीमेंट आया, और जो नेटवर्थ होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है और अर्निंग पर शेयर है, इस सब में बहुत ही अच्छी इंक्रीमेंट आई। तो मर्जर के बाद जो है अच्छी लिक्विडिटी आई, जिसके कारण ओरिएंटल होटल शेयर को अभी भी स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है एक्सचेंज पे। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं थोड़ा। इसका मार्केट कैप अभी 703 करोड़ के आसपास है, और इसका बुक वैल्यू जो पर शेयर की बात करें तो 24 है। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने मार्केट में 17.86 करोड़ है, फेस वैल्यू 1 है, अभी इसका प्राइस 39.40 चल रहा है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। देखिए दोस्तों, दो तीन चीज़ मैं यहाँ आपको डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, अरे यार 3 रुपये का शेयर वो सस्ता है और 300 रुपये का ये थोड़ा महंगा है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेंड होता है ना उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सस्ता और सस्ता हो सकता है और महंगा और महंगा होगा, यही ट्रेंड चलता है और यही होता है मार्केट में। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, फ्यूचर में भी आप अच्छा मुनाफा ज़रूर कमाएंगे, और ये आप देख सकते हैं। शॉर्ट फ्रेम में आपको भले ही लगेगा यार 3 रुपये वाला 6 रुपये होता है तो पैसा डबल हो जाता है, लेकिन वो 3 रुपये वाला 6 रुपये नहीं होता जल्दी, उसमें जाने के बाद लोग फंस जाते हैं, वो 1 रुपये तक चला जाता है फिर भी लोग उसमें रुके रहते हैं, किसी दिन आएगा थोड़े दिन में फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ में ट्राई करते हैं, अगर वो नहीं हो रहा है तो आप सोचते हैं 2 बार और करेंगे उसको छोड़ देंगे, उसी तरह यहाँ भी अगर आपको 3 रुपये में बाई किए, बोले यार 2.5 रुपये आ गया तो यार ठीक है, अगर 2.20 रुपये से नीचे जाएगा तो मैं सेल करके निकल जाऊँगा। तो ऐसे ही स्ट्रेटजी आपको अपना अलग अलग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस पे, आप अपना फाइनेंशियल रिस्क
के तौर पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं कि अगर मेरा 10% से ज़्यादा लॉस रहा मैं निकल जाऊँगा, तो उस तरह से आप स्टॉप लॉस लेकिन ज़रूर यूज करें। सबसे बढ़िया होता है कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करें, जो कि स्टैंडर्ड है स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल दिखाना चाहूँगा कि इसका फाइनेंशियल देखिए, कैश फ्लो में जो भी पैंडेमिक था उसके कारण पहली बार इसका कैश फ्लो जो ऑपरेशन था वो -21 करोड़ का था, जिसके कारण इसका जो एसेट एंड लायबिलिटीज है वहाँ पे भी फर्क पड़ा, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखें तो वो 24 है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका देखिए, पहले बताया था कि थोड़ा सा आपको निगेटिव दिखेगा क्योंकि कैश फ्लो जो ऑपरेशन था वहाँ निगेटिव आई थी, तो उतना इनको लॉस हुआ। लेकिन जिस प्रकार की रीओपनिंग हो रही है और RBI का जो पॉलिसी था अलग से, जो पैकेज जो होटल इंडस्ट्री के लिए स्पेशली बनाए गए पैंडेमिक के कारण, उसके कारण इसको अच्छा पुश मिल सकता है, तो इसमें आने वाले दिनों में फिर से तेज़ी की उम्मीद आप कर सकते हैं। यहाँ प्रोमोटर देखिए, प्रोमोटर ने 67.62% का होल्ड रखा है। यहाँ पब्लिक की बात करें तो 62 है। FII का इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है, DII का लेकिन बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ देख सकते हैं 11.11 का इसमें होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन का भी 21.27 है। यहाँ जो प्लेज की बात करें तो प्लेज 0.13 है, तो वो मैनेजेबल है, बहुत ही कम है, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आपको अब इसके टेक्निकल्स की बात करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, MACD पॉजिटिव है। उसके अलावा बात करें तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है बेंचमार्क से वो निगेटिव है, यानी बेंचमार्क तो बहुत ऊपर आ गया है दोस्तों, वहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है। यहाँ स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें और अडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर व्यू लेंगे तो या तो न्यूट्रलिटी का, यहाँ पे न्यूट्रल का व्यू आ रहा है कि मतलब ये अभी न्यूट्रल है, उतना ज़्यादा एक्शन बन नहीं रहा है। कुछ न्यूज हो सकती है जो इसको ड्रिवेन कर सकता है, न्यूज ड्रिवेन। जैसा कि देखिए दोस्तों, 2-3 स्ट्रैटजी होती है। पहला कि आप किस तरह शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। पहला, उसका अगर ब्रेकआउट हो गया, जैसे बहुत सालों का उसने हाई तोड़ के ऊपर निकला हो और सस्टेन कर रहा है, तो उसमें एंट्री करेंगे। दूसरा, मैं अपना लेवल देख रहा हूँ, वहाँ पे न्यूज़ आई है, कोई न्यूज़ ड्रिवन जिसे बोलते हैं, बड़ी न्यूज़ आ गई तो उसके आधार पर ट्रेड करेंगे। और दूसरा जो, और तीसरा जो सबसे स्टैंडर्ड यूज करते हैं लोग, कि अपना टारगेट देखेंगे, सेट करेंगे, जिसमें आया मोमेंटम ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, ट्रेंड बेस्ड, जो जिस चीज़ का ट्रेंडिंग चल रहा है मैं उसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो 2-3 बेस अलग अलग स्ट्रैटजी होती है, तो वहाँ पे उसके आधार पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल्स में ही अभी लेवल्स की बता देता हूँ, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 39 जो है, यहाँ पे इसका लेवल्स अभी 39.40 पे चल रहा है, लेकिन जिसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 डेमा, 20, 50, 100, 200, इसके ऊपर चल रहा है। तो अगर आप अभी एंट्री करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस के तौर पे, अगर जैसे यहाँ पे यूज करें तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस 37.83 का रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 100 डेमा या 200 डेमा को चूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए, कि अगर 35.32 गया उससे नीचे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो ऐसा सुपर ट्रेंड यहाँ पे देखिए अभी भी पॉजिटिव है। 2-3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए, सुपर ट्रेंड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, RSI, अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव है, एक ही इंडिकेशन है, तब आप कन्विक्शन के साथ उस शेयर में बने रह सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, ये शेयर में बहुत प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, तो वहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और वहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी अच्छे रिटर्न्स की। यहाँ देख सकते हैं इसका रिटर्न कंसिस्टेंस बेसिस पे अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न 91, 6 मंथ 61, 3 मंथ का 1% है, लेकिन सारे देखिए ग्रीन है, बहुत कम से ऐसे होते हैं जिसमें हर टाइम फ्रेम पे आपको ग्रीन में दिखे रिटर्न्स। यहाँ पर अपडेट की मैं बात करूँगा और जो डिलीवरी है अपडेट पे चलेंगे, उसके बाद मैं चार्ट चेक भी करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिलीवरी दिखाना चाहूँगा। यहाँ डिलीवरी देख सकते हैं किस प्रकार के हैं, स्पेशली 27 सितंबर को मैं दिखाऊँगा। आपको ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस दिन का आपको प्राइस बहुत ज़रूरी है, 39.7। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, सस्टेन होता है, तो आपको फिर से एक नया लेवल देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा फिर से बढ़ रहा है, कुछ दिनों से फिर से लगातार वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दिख रहा होगा, देख सकते हैं वॉल्यूम में आपको इस तरह से इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो ये जो इंडिकेशन है दोस्तों, धीरे धीरे आती है किसी शेयर में, कि आपको देखना चाहिए कि हाँ किस तरह की तरफ बढ़ रहा है और प्राइस में भी थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं प्राइस में दिखाना चाहूँगा 5 ईयर का, 5 ईयर का मैं टाइम फ्रेम यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि शेयर्स का अभी प्राइस में देखेंगे तो आपको दिखेगा 5 ईयर का लो 13.15 है, जो कि 25 मार्च 2020 को जो पेंडेमिक का आया था उसके जब
निफ्टी बहुत नीचे चला गया तब की बात है, तब वहाँ पे 25 मार्च 2020 को इसका सबसे लो लगा 13.15 का, और वहाँ पे 5 ईयर का अगर हाई देखेंगे तो जनवरी 2018 में 23 जनवरी को ये 68.5 पे गया था। तो वहाँ से भी अभी भी शेयर आपको दिख रहा होगा कि लगभग आपको आधे दाम के आसपास मिल रहा था कुछ दिनों पे। तो यहाँ से आपको फिर भी बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है अगर शेयर ऊपर सस्टेन करता है। यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल भी दिखाऊंगा, पहले देख लेते हैं अपडेट्स किस प्रकार के आए हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इन्होंने क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो कर दिया, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इन्होंने ट्रेडिंग विंडो है उसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ दिख रहा होगा आपको, जो पैटर्न बताएं, जो इन्वेस्टर कंप्लेंट्स का सारी कंपनी को पोस्ट करना रहता है, तो यहाँ पर 2 कंप्लेंट्स आया इस क्वार्टर में, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो सकता है कि मंथ एंड में आया हो, जहाँ से जस्ट इनका ये अपना इन्फॉर्म करने का सिलसिला शुरू हो गया हो तो वहाँ पे आया हो, तो सॉल्व नहीं हुआ है। देखते हैं इसके बारे में जो भी इन्वेस्टर मीट्स होगा उसमें क्या बोलते हैं कंपनी की, दो वहाँ पे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं उसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में क्या बोलेंगे। और इसके बारे में और देखें तो देख सकते हैं ये जो आई है न्यूज़, मैं सीधा आपको PDF में ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ PDF में यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट October 8, 2021। यहाँ इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो भी मीटिंग है वो शेड्यूल किया गया है ट्यूसडे 19 अक्टूबर 2021 को, कंसीडर करने के लिए जो भी और अप्रूव करने के लिए जो भी इनका रिजल्ट है Q2 का FY 2022 का, और उसमें हाफ ईयरली भी बताएंगे और सितंबर 30 के लिए। तो ये दोनों जो रिजल्ट होगा मैं उस बेसिस पे उस दिन भी लेकर आऊँगा, वीडियो में बताऊँगा किस तरह कंपेयर करके किसका रिजल्ट किस प्रकार का है। दोस्तों आपको मार्क कर लेना 19 अक्टूबर का अगर आप इनके इन्वेस्टर हैं तो। यहाँ पे ऐसे स्टोर में अगर आप इन्वेस्टर नहीं है आपको दिख रहा है तो अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहें, क्योंकि आपको रिजल्ट हर कंपनी का देखना है। अगर आप शेयर मार्केट में रहते हैं कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी बढ़िया दिख रहा है तो उसको आपको नज़र में रखना है, और जहाँ पर बेस मिले इमोशन नहीं होना कि नहीं नहीं मैं इसी शेयर में ट्रेड करूँगा, ऐसा नहीं। इमोशन अगर आप लेकर आते हैं शेयर मार्केट में तो आपको लॉस ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट बहुत कम होगा। तो आप इमोशन लेस रहें, जो शेयर मिलता है छोटा हो बड़ा हो, जहाँ आपको लगता है यहाँ अपॉर्चुनिटी है मेरा तो आप बिल्कुल वहाँ एंट्री कीजिए, और बहुत शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट जो भी मिल रहा है उसको लेकर निकल जाइए। प्रॉफिट बांधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिख रहा है प्रॉफिट वो नहीं होता, जब तक आप उसको बुक नहीं करते वो आपका प्रॉफिट नहीं होता। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको अब चार्ट चेक में ले चलता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है चार्ट चेक। इसमें देखिए मैं यहाँ पे भी 5 ईयर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, यहाँ पे अलग अलग मैंने लेवल पहले से मार्क करके रखे, जिससे कि आपको यहाँ पे दिख सकता है कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के है, इसमें RSI देख सकते हैं, इसमें जो है सॉरी मैं ये पहले इसको इधर मूव कर लूँ ताकि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इधर साइड में जो भी अभी का लेवल्स है उसके हिसाब से, हाँ अभी आ गया। इधर साइड में मैंने वो ड्रॉ करने के लिए उतना पीछे तक जाकर सारे लेवल्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद से सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती है। और देख सकते हैं किस तरह का जो लेवल है बिल्कुल उसी के आसपास से काम किया है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये RSI है ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। अगर ये RSI पॉजिटिव हो जाता है तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी इस शेयर्स में देखने को मिल सकती है, और जो मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस पैटर्न बता रहा है वो तेज़ होगा, और यहाँ से आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सुपर ट्रेंड जो है, यहाँ पे सुपर ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव ही दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका RSI पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही ये शेयर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लेवल दिख रहा है। यहाँ से आपका पहला टारगेट 40.50 का रहेगा, दूसरा टारगेट 42.15 का यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने तीनों लेवल सेट कर दिए हैं कौन कौन सा लेवल है इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यहाँ देख सकते हो दूसरा टारगेट 42.15, तीसरा टारगेट है वो 43.60 का रहेगा। दोस्तों ये तीनों लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो
तो आपको फिर से बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है शेयर में, और रिजल्ट डेट के आसपास आपको शेयर इसी के आसपास आपको दिख सकता है। मैं फिर रिजल्ट के साथ आऊँगा और फिर से चार्ट चेक करेंगे, देखेंगे क्या इसका टारगेट सेट हो सकता है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं और टारगेट जानना चाहते हैं किसी शेयर का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। और आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने पिछले ही दिनों में IRCTC का कॉल शेयर किया था और सारे वहाँ मेम्बर्स थे तो उन्होंने अच्छा मुनाफा बुक किया। तो दोस्तों, जस्ट मैंने ऐसे शुरू ही किया है, ये फ्री है बिल्कुल टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।